तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है और यहाँ पे ना कोई चैलेंज है और ना ही कोई कॉम्पिटिशन, यहाँ पे अलग ही लेवल का एक काम होने वाला है। आज हमारी वीडियो में 6 डिफरेंट अलग टाइप के मोमोज हैं जो कि ओरिगे द मोमो पॉइंट से लाए गए हैं। कौन तो भाई मोमोज प्रेजेंट करेगा बेटर दो। इस वीडियो में हमारा भी कुछ कैमियो होगा लास्ट के दो तीन मोमोज में। तो हमारे पहले मोमोज आ चुके हैं, ये हमारे तंदूरी मोमोज हैं, ये आप देख सकते हैं दिखने में तो काफी अच्छे हैं। ये 50 रुपए प्लेट है और 6 पीस आए हैं इसमें। चलो अब हम टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है और कितनी रेटिंग देते हैं। ये जो हम जो सर्व कर रहे हैं मोमोज, ये फिलहाल में आए हैं द मोमो पॉइंट जो पीटर इंग्लैंड स्टेशन रोड के जस्ट सामने है, सिटी सेंटर के जस्ट बगल में है। तो आप देखिए 50 रुपए प्लेट है, 6 पीस है, आगे टेस्टिंग बताते हैं। और कैमरामैन के पीछे जो कैमरे के पीछे जो कैमरामैन है वो प्लेट हाजिर हो, ये इन दोनों की प्लेट्स लगा दें वरना ये खाने नहीं देंगे अच्छे से, मोमोज हमको पचेंगे नहीं। ये ग्रेवी, भाई ग्रेवी बहुत थिक है, ये आप लोग की प्लेट्स ले जाइए, ले जाइए। तो टेस्टिंग स्टार्ट की जाए। काफी लंबे समय के बाद ये तो इसकी ग्रेवी हुई थी, इस चटनी के साथ थोड़ा टेस्ट करा जाए कि आखिर ये चटनी में ऐसा क्या है। बहुत थिक चटनी है, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग आपसे कहेंगे हाथ से खाए तो बढ़िया है, बहुत बेकार चीज है। टाइम फॉर द रिव्यू, तो थोड़े स्पाइसी और मियोनी के चक्कर में थोड़े से मीठे और इस ये रेड चटनी है 12 चम्मच से भाई साहब। और ये जो रेड चटनी है देख रहे हैं आप, इसके चक्कर में ही खाना पड़ेगा। रिव्यू के बीच में आप थोड़ा टिप पड़ी, क्या बोला तूने, थोड़ा टिप पड़ी ना करें सॉरी। ये जो मोमोज की चटनी है ये थोड़ी बहुत थिक है, देख सकते हैं काफ़ी वैसी वैसी है, मतलब थिकी है। तो ओवरऑल रेटिंग, अगर मेरा रेटिंग है मीटर देखेंगे तो 5 पे आगे रुकता है, 10 में से 5 लेवल। मुझे इसका तंदूरी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लगा और खाने में भी काफ़ी अच्छा था। तो जब ये चटनी के साथ लगाया, रेड चटनी के साथ, तो थोड़ा तीखापन और आया जिससे मुझे टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से ये 7 ओवरऑल, और तो सब ठीक है, लेकिन चटनी बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, और जो इसकी म्यूनीज है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं है। तो ओवरऑल रेटिंग हम 6.5 देंगे, हमारे ख्याल से इसकी रेटिंग हम 6.5 देंगे, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट है। ये कड़वी नहीं हो, तीखी हो, कड़वी अलग चीज़ हो, कड़वी है भाई वो, बहुत कड़वी अलग चीज़ हो, कड़वी जो कड़वात है, तीखी होते है, तीखी कड़वी है भाई। अरे भाई तू कड़वी सोच रहे भाई लोग, तुम लोगों ने कौन तीखी गई, गजब बेइज्जती करो। जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मेरा कैमियो होगा, तो हो रहा है। तो अगले मोमोज ये तो काफी बड़े साइज के हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारे सेकंड मोमोज, कुरकुरे मोमोज। इसमें ग्रेवी थोड़ी कम है और ये थोड़े वैसे होते हैं क्रंची टाइप के, तो एक एक पहले दे देते हैं फिर बताते हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में साथ में, बड़ा मजा आने वाला है, आगे देखते हैं फिर। एक्चुअली में क्या है ना, व्यूज थोड़ा डल लग रहे थे, डल 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 बोले तो टमाटर, ये दो हमारे कैमरामैन और वेटर के लिए। कैमरामैन भाई अपनी प्लेट लाइए, वेटर के नहीं ये लेके जाइए। हाँ भाई अपना देखिए, लेके जाइए। जैसा सिर्फ ने कहा था क्रंची है, आप देख सकते हैं बढ़िया क्रंची, चारों तरफ से क्रंची क्रंची सा लग रहा है। अभी खा के बताएंगे कि ये नाम की क्रंची है कि काम के भी है, और हम पे नहीं हो रहा सबर। अब इन्हें तो हाथ से ही खाना पड़ेगा, इसको भाई डिप ही करना पड़ेगा। इसमें ग्रेवी भी नहीं थी, मतलब बिना पानी के थोड़ा टफ है खाना हमारे लिए, मतलब हमारा ओवरऑल जो रिव्यू रेटिंग है यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। एक में से 5, ये 5 पिछले वाले से भी नीचे है, इसको हम देंगे 4। जैसे कि आपने इन दोनों से सुना कि ये काफी ज्यादा क्रंची है, लेकिन ये हम कहना चाहेंगे ये इसका नाम ही कुरकुरे मोमो से ये बनाई है।
जैसा कि सिड ने और आकाश ने बताया कि ये क्रंची हैं तो थोड़ा खाने में थोड़ा लग रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे इनका नाम ही कुरकुरे मोमोज है तो ये बनी मतलब थोड़ा क्रंच के लिए है, और ग्रेवी ये पेरी पेरी कुरकुरे मोमोज है तो ये चटनी के साथ ही खाए जाते हैं तो ये थोड़ा तीखे जरूर लगते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं कुरकुरे मोमोज, इसलिए खाने में थोड़ा मुँह में क्रंच टाइप फील आता है, इसलिए ये रेटिंग हमारी इसके लिए 7 है। ये भी जैसा कि हमारे प्रशांत ने कहा है कि ये कुरकुरे पेरी पेरी हैं तो इन्होंने गलत कहा, ये कुरकुरे ग्रेवी मोमोज हैं और मैं लंबा चौड़ा माखन लूंगा, मेरी रेटिंग है 6। कुरकुरे ग्रेवी मोमोज और आई नहीं है, ये पेरी पेरी है। ये छोटा सा मिस्टेक जो कि ये कुरकुरे पेरी पेरी हैं हमारे प्रशांत भाई ने सही बताया था, इनको थोड़ी गलत फहमी हो चुकी थी तो प्रशांत के ऊपर टेक लगता हुआ सॉरी 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 मारो सॉरी भाई 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 क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ। ये मोमोज हैं अफगानी ग्रेवी मोमोज, इसका प्राइस है, प्राइस कितना है कैमरामैन? 50। इसका प्राइस है 50 रुपए और 6 पीस है, 6 पीस आते हैं 50 रुपए फुल प्लेट, हाफ प्लेट लेंगे 40 रुपए में 4 आएंगे और ये सर्व करते हैं खाते हैं, ज्यादा बकवास करते नहीं है ये हमारे, अपने अपने खुद ले लो ये नहीं हो पाएगा इससे, और चम्मच चम्मच से नहीं खाना चाहिए सब फर्जी वाला है। और भाई कैमरामैन को कैमरामैन उठा लीजिए, आ गया गया। ये सब ने बिल्कुल सही कहा, इसको हम चम्मच से खा ही नहीं पाएंगे। ओए एक सेकंड मेरी स्पून चली गई, स्पून लौटाई जाए। ये मोमोज जो है बहुत स्लिपरी होते हैं, मेरी स्पून लौटाई जाए खाएंगे और प्रोफेशनल नहीं है तो भाई खा नहीं पाओगे, हम नहीं है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल आ जाओ ओरियन से खाने मजा आ रहा है। चलो बीच में ये लोग तक खाना थोड़ी नॉलेज दी जाए, तो ये जो मोमोज हैं ये तिब्बतन कुजीन के अंडर आते हैं, मतलब इनका जो ओरिजिनेट हुए थे ये नेपाल से हुए थे बेसिकली, ये इंडिया में अभी कुछ साल ही हुए ट्रेंड आए हुए, मतलब सबसे पहले जो ट्रेंड आया था वो दिल्ली में स्टार्टेड हुआ था, अब ये रोड रोड पे लगते हुए दिल्ली आप देख सकते हैं। तो फिलहाल में ये कुजीन है तिब्बतन और जहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है नेपाल, मगर अब जहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इंडिया। इंडिया अरे कहना क्या चाहते हो? जब तक ये लोग खा रहे हैं मैं खा चुका हूँ, मैं अपनी रेटिंग देना चाहूँगा, ये अफगानी मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मैं इसको रेटिंग दूंगा 7.5। मुझे भी ये मोमोज काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा थी, मतलब वो चटनी का जो फ्लेवर आ रहा था वो काफ़ी अच्छा आ रहा था इसमें, तो ये मुझे 8 रेटिंग जाएगी। जल्दी करो जल्दी करो, मेरी भी यहाँ पे प्लेट खत्म हो चुकी है, कोई बकवास नहीं, सीधी रेटिंग देंगे उसको हम देंगे 8.5। देखो मेरी रेटिंग के हिसाब से ये थोड़ा टंगी फ्लेवर था, मतलब कुछ मीठा भी था कुछ नमकीन भी था और काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी जो ऊपर की वो मैदा की लेयरिंग होती है वो काफ़ी सॉफ्ट है। कुल मिला के मेरे रेटिंग के हिसाब से अभी तक इसकी रेटिंग होगी 8/10 में से 8। हमें देना वो रख लेगा अपना। अरे बिल्कुल यार कैसी बात कर रहे हैं, अपना अपना रख लेंगे। सूर्या का गोला है बहुत बड़ा टूटा। चल ये हम दोनों ने अपने ले लिए, बाकी ये लोग देखते रहे। और तो बिना किसी देरी करते हुए हम तो खाना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो इसे मुझे लग नहीं रहा इसके लिए चटनी की जरूरत है तो पहले बिना चटनी के सरकेसम प्लीज माफी चाहते हैं, उसके लिए तुमको जनरेटर पे जगह नहीं मिलेगी। कौन से भाई अलग ही फ्लेवर दे रही है मुंह में, हम इसको एक ही बार में लेंगे, देखिए आप। तो मैंने खा लिया है, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये मुझे KFCC है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो मेरे हिसाब से ये 8.5 क्योंकि ये अलग ही टेस्ट दे रहे हैं मुंह में और सॉफ्ट तो ये है ही। मैं सीरियसली बताऊं तो आई एम कन्फ्यूज कि मतलब जो इससे पहले थे अफगानी और ये KFCC, इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, इन दोनों को मैं सेम रेटिंग दूंगा 8। मेरी रेटिंग रहेगी 7.5 क्योंकि लगभग दोनों में ग्रेवी एक ही यूज़ की हुई है जहाँ तक, बिना किसी देरी के इसको हम रेटिंग देंगे 8।
और ये वीडियो का लास्ट मोमोज है, लास्ट मोमोज है, हाँ, लास्ट, 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 लास्ट मोमोज। हमारे साथ कैमरामैन लेके आ रहे हैं और इस बार कैमरामैन भी कैमियो करेंगे इस वीडियो में। कैमरामैन हाजिर हो, प्लेट है बॉय, प्लेट प्लेट, ये इसकी तो प्लेटिंग ही काफी देख सकते हैं टेम्पटिंग लग रही है, मतलब एकदम फुलफिल ऊपर तक, इसलिए तो इसका नाम पिज्जा मोमोज है। ऊपर से चीज देखिए आप किस तरीके से लगी हुई है, ये हम लोग भी हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग करते हैं, लड़ाई हो जाए, अब यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, चले अरे अरे भाई तुम जाओ, रुको जरा सब्र करो, सबको ये चीटिंग कर ली हमारे सबने, सबर करो, उठा ले रही उठा ले भूखे नंगो, कैमरामैन बेचारा हमारा लास्ट में आया, इसमें गलत आ गया हूँ, कोई इज्जत नहीं मिलने बेचारे को, सॉरी मेरे पास बहुत बड़ा पीस है, मैं अपने कैमरामैन को खिलाऊंगा, अभी ये कैमरामैन और बचा है, ये सर इनके साथ भी टैटू है, ये टॉपरी की जो प्लेट ये बहुत बहुत ये लाल चटनी और लेंगे, बिल्कुल उसमें थोड़ा कॉर्न डालो, कॉर्न और दीजिएगा, भाई आपने कॉर्न देख लिया था क्या, नहीं नहीं मुझे को पता है, इन सबसे पहले मैंने खाया है, और बहुत सी चीजें हैं, हम खाएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या और क्या क्या चीज इसमें डली हुई है, आकाश खाएंगे बिना खाए बता दे रहे हैं कि अगर आप जाए हमारे हिसाब से पिज्जा मोमोज ही खाएं, भाई देख के पिज्जा ही लग रहा है यार, अब ये फैशन समझ में नहीं आ रहा, पहले मेरा चला है मैंने मैसेज सेंड कर बात कर लूंगा, देखिए हमें सवाल हो नहीं रहा है, मेरे मुंह में इतने बेहतरीन लगे हैं कि हम इसको प्लेट चार के पूरा खाएंगे, मेरा हो चुका है बिना बकवास के साथ, इसको हम रेटिंग देंगे 9, सारे मुंह एक तरफ और इसकी बात अलग है, उंगलियां चाटे रह गए हैं, और इनके समोसे में एक्सट्रीम है क्या, जो इनकी ग्रेवी थी वो जस्ट वो पहले मोमोज आए थे वो वाली ग्रेवी थी, इसमें ऐड क्या है कि सिर्फ स्वीट कॉर्न और ये जो मेयोनीज थोड़ी एक्स्ट्रा है, चीज़ ये तीन चीज़ों ने इसकी रेटिंग बढ़ा दी, इसकी रेटिंग मेरे हिसाब से है 9 रुपये, देखो कुल मिला के जहाँ है हमें बहुत अच्छे लगो, जो मतलब हम तो खाते हैं और इसका इतने बेहतरीन लगा है, यहाँ की थोड़ी लोकल लैंग्वेज है शुद्ध बुंदेलखंडी, तो हम इसको रेटिंग देना चाहेंगे 10 out of 10, मतलब 10 में से 10 बच्चा पास हो गया है। अरे हम रहे हैं, सबसे पहले हम बताना भूल रहे हैं, ये पिज्जा मोमोज इनकी प्राइस है 80 रुपए फुल प्लेट, इसमें भी 6 पीस आते हैं और ऊपर से शायद पिज्जा जैसी कोटिंग होती है, कोटिंग चीज की कोटिंग होती है, चीज की कोटिंग, अरे हमको ये अरे तभी तो नाम उसका पिज्जा रखा हुआ है, हमको ये इंग्रेडिएंट पता नहीं है क्या है, लेकिन हम उसको रेटिंग देंगे 10 में से 10। चलिए अब हम अपनी रेटिंग देते हैं, ये इसका टेस्ट मुंह में अलग ही लेवल पे घुल रहा है, तो अलग ही जन्नत का एहसास हो रहा है ऐसे खा के, तो हमारे हिसाब से ये 10 out of 10 और ये हमारा विनर बनता है अभी तक का, ये साइड में चाटते हुए, जैसा कि हमने सारे मोमोज ट्राई किए हैं, भले कैमरा के पीछे किए हैं लास्ट वाले हमने आगे किया है, बट ओवरऑल मेरे को सबसे बढ़िया पिज्ज़ा मोमोज लगा है, और बाकी अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है लोगों को कौन सा अच्छा लगा है, हमको पिज्ज़ा मोमोज अच्छा लगा है, हम इसको 10 में से 10 रेटिंग देना चाहेंगे, और कुछ नहीं बोल रहेगा, और मैं सजल और ऋषभ भाई से सहमत हूँ, मुझे पिज्जा मोमोज 10 out of 10 सबसे अच्छा टेस्ट मुझे उसी का लगा है, अब देखते हैं और भाई लोग मेरे कैसे क्या देखते हैं, बीच में थोड़ा मैं चला गया था लेकिन मैंने कैमरा के पीछे पिज्जा मोमोज ट्राई किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उसे मैं 10 out of 10 देना चाहूंगा, पिज्जा का तो मैं सबने मोमोज ट्राई किए, पब्लिक से झूठ बोल रहा है, ये पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो मेरा हम लोग पीछे इसने पूरा कटोरा चाट के साथ आ गया आया पूरा, वो आप लोग दिखा नहीं सकते हैं वरना सब दिखाते हैं हम आपको, तो मेरा रूल सिंपल है, तो मेरा रूल सिंपल है, पहले नंबर पे पिज्जा मोमोज थे और लास्ट नंबर पे क्रंची वाले वो कुरकुरे टाइप के जो मोमोज थे वो लास्ट वाले पे नंबर पे थे, सीधी बात नमकवास समय को बचाते हुए हम फाइनली पिज्जा मोमोज को विनर मानते हैं, और पिज्जा मोमोज खाने के बाद और हमें कोई मोमोज याद ही नहीं है कि कौन दूसरा है कौन तीसरा है कौन चौथा है, फाइनली पिज्जा मोमोज हमारा विनर है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। ये सब तो ठीक है, जय हिंद जय भारत को घुमाओ का भारत है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लाएं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं, जिससे आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए और हम लोग ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। क्या बोले हो भाई।